पोर्नोग्राफिक वीडियो शूट करने और अपलोड करने के मामले में आखिरकार राज कुंद्रा को 2 महीने बाद जमानत मिल गई है और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा, जो खुद इस मामले में एक शिकायतकर्ता हैं। उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी और इस राज कुंद्रा के पूरे मामले में वो एक अहम गवाह भी हैं। हम उनसे पहले पूछेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? राज कुंद्रा को 2 महीने बाद जमानत मिल गई है, उन्होंने तमाम आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे में उनके खिलाफ जो मामला बनाया गया है वो गलत है। देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के पास कई पीड़ित महिलाओं के बयान हैं, जिनके चलते ये समझ में आता है कि उन पीड़ित महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ था। और ये कहना कि तथ्यों में कोई सत्यता नहीं है गलत होगा, क्योंकि उन बयानों के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट बनाया और हम सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ था उन पीड़ित महिलाओं के साथ। और आज वो तमाम लोग जो उन पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे इतने सारे महीने, वो आश्चर्यचकित हैं इस बात को लेकर कि बहुत जल्दी बेल मिल गई राज कुंद्रा को। और लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जो लोग धनवान होते हैं उन्हें हमेशा तुरंत बेल मिल जाती है, क्या ये कोई परंपरा है? अगर वो धनवान नहीं होता तो क्या उसे बेल मिल जाती इतनी जल्दी? इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग। तो आपको लगता है कि अमीर होने की वजह से, पैसा वाला होने की वजह से उन्हें बेल मिली है और उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, आपका ये इल्ज़ाम है? देखिए, मैं इतना जानती हूँ, समझती हूँ कि जो नियम होता है, जो कानून होता है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ऑनर द लॉ ऑफ द लैंड। एंड क्या राज कुंद्रा ने ऑनर किया द लॉ ऑफ द लैंड को? और अगर नहीं किया तो सवाल खड़े होने चाहिए कि उन्होंने क्यों पीड़ित महिलाओं को गुमराह किया, क्यों उनसे वो सारे काम करवाए जो कानून इजाज़त नहीं देती है करने की। रही बात मेरी, मैंने उनके लिए 3 वीडियोस किए थे जून 2021 में और मुझे आज तक उन 3 वीडियोस की कोई पेमेंट नहीं मिली। प्राइम मीडिया का मामला है, उसके लिए आपने 3 वीडियोस बनाए थे? नहीं, जून 2021 में मैंने राज कुंद्रा की JL स्ट्रीम कंपनी के लिए 3 वीडियोस शूट किए थे उनकी टीम के साथ और आज तक मुझे एक पैसा भी नहीं मिला उन 3 वीडियोस के लिए। और बात ये हुई थी कि हर वीडियो के लिए एक मिनिमम गारंटी दी जाएगी मुझको, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो वायदा किया था मुझसे उसे निभाएँ और मेरी जो पेमेंट बनती है उसे तुरंत क्लियर करें। किस किस्म के वीडियोस बनाए थे आपने? ये 3 वीडियो की बात कर रहे हो, कितना पेमेंट बाकी है वो थोड़ा बताएं। ये 3 वीडियोस ग्लैमर वीडियोस थे। एक का कॉन्सेप्ट था योग, मतलब पहले मैं अपने बेडरूम में सो रही होती हूँ, उसके बाद सवेरे जब उठती हूँ तो वॉशरूम में जाकर फ्रेशन अप होकर चेंज करके उसके बाद योग करना शुरू करती हूँ एक आउटडोर सेटअप में। एक ये कॉन्सेप्ट था और दूसरा कॉन्सेप्ट था स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट, जहाँ पर मैं एक मेल मॉडल के साथ पूल साइड बैठकर मस्ती करती हूँ, उसके बाद हम दोनों पूल के अंदर जाते हैं और एक दूसरे के साथ यू नो नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। एक वो कॉन्सेप्ट था और तीसरा बेडरूम कॉन्सेप्ट था। तो ये 3 कॉन्सेप्ट शूट तो करवा लिए, रिलीज़ भी कर दिए, बट पेमेंट नहीं मिली मुझको। तो बिल्कुल पेमेंट नहीं दी आपको, और कितना पेमेंट वादा किया था उन्होंने? एक एक्स अमाउंट प्रॉमिस किया था हर वीडियो के लिए, मिनिमम गारंटी, बट ना एक्स मिला, ना वाई मिला, ना जेड मिला। आपने जुहू पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी इसी मामले को लेकर कि पेमेंट नहीं मिला है, और भी तमाम इल्ज़ाम लगाए थे आपने, इसके बारे में अप्रैल 2021 में
मैंने एक यौन शोषण का केस किया था राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अप्रैल 2021 के दिन। मैं और मेरे वकील गए थे जुहू पुलिस स्टेशन और वहाँ पर मैंने ये शिकायत की कि मेरे साथ मार्च 2019 में यौन शोषण हुआ था। और जब राज कुंद्रा को ये जानकारी मिली, उन्होंने 19 अप्रैल 2021 के दिन मुझे कॉल किया, मेरे घर आए और ये कहा कि मैं उस कंप्लेन को, उस शिकायत को वापस लूँ। और जब मैंने कहा कि क्यों मतलब आप इस तरह का दबाव डाल रहे हैं मुझ पर, तो कहा कि नहीं, अगर FIR हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जेल हो सकती है और मैं बदनाम हो सकता हूँ, मैं दो बच्चों का बाप हूँ, मेरी पत्नी का क्या होगा, हमें देश छोड़कर जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे कहा कि ये सब आपको तब सोचना चाहिए था ना जब आपने किया मेरे साथ। उनकी कंपनी जेल्स टीम आपके लिए एक आपका एक ऐप भी मैनेज करती थी, आप ही के नाम से जो था, और उससे लेकर भी एक बड़ा विवाद हो गया था कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन राज कुंद्रा फिर भी उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे थे। जी मुझे याद है, आर्म्स प्राइम से जुड़ने के बाद अक्टूबर 2019 में मैंने राज को व्हाट्सएप पर ये मैसेज भेजा कि देखो, अब मुझे दी शेरदीन चोपड़ा ऐप के साथ नहीं जुड़ना है, आप इस ऐप को डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट कर दो। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आप एक किस्म के वीडियोस करवा रहे हैं मुझसे, और आपने कहा था कि वैरायटी होगी, आपने कहा था कि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन की बात कर रही हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं करना ये सब। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे जब चाहे एग्रीमेंट से वॉकआउट नहीं कर सकती हो, जब चाहे अपने ऐप को बंद नहीं करवा सकती हो, ये ऐप हमारा है तो हम फैसला लेंगे कि कब बंद करना है कब नहीं करना। तो मैंने कहा कि आप मुझसे ज़बरदस्ती ऐसे वीडियोज़ शूट नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करवा सकते, एग्रीमेंट में तो लिखा है कि करवा सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। उन्होंने कहा हाँ, जितना चाहे आप लड़ सकते हो। तो तब मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको इतना ही शौक है एक महिला की खूबसूरती को दर्शाने का, आप शिल्पा की खूबसूरती को क्यों नहीं दर्शाते। तब उन्होंने कहा कि यू नो, औकात से ज़्यादा मत बोला करो वगैरह वगैरह, डोंट हिट बिलो द बेल्ट। तो मैंने कहा कि क्यों, आपकी बीवी की इज्जत इज्जत और दूसरों की बेटियों की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। मुंबई पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है राज कुंद्रा के खिलाफ और मुख्य आरोपी राज कुंद्रा को ही बनाया है। मुंबई पुलिस कई बार उनके जमानत अर्जी का विरोध कर चुकी है, अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें ज़मानत दी है, उनसे तमाम तरह की पूछताछ हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ऐसे में अगर उन्हें ज़मानत मिली है तो क्या दिक्कत होनी चाहिए, आरोप तो उन पर चलते रहेंगे, केस तो चलता रहेगा, मुकदमा तो चलता रहेगा जी। ऐसे में आपको इस बात की क्यों शिकायत है कि उन्हें ज़मानत मिल गई राज कुंद्रा को? मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम वो 6 महीने सलाखों के पीछे रहेंगे, लेकिन 2 महीने में उनको बेल मिल गई। उनके वकीलों का ये कहना है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिली उनके खिलाफ, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जो बयान नहीं मिले, ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि सबूत नहीं है। हाँ। सबूत नहीं है फिर भी उनको फ्रेम किया। ओके, मुझे नहीं लगता कि उन्हें फ्रेम किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच को उनका काम करना आता है और जो बयान उनको मिले हैं पीड़ित महिलाओं से, वो बयान उन बयानों से पता चलता है कि उन पीड़ित महिलाओं के साथ किस तरह की बातचीत हुई, उन्हें किस तरह से गुमराह किया गया और उन्हें क्या क्या कहा गया था, किस किस्म के वादे किए गए थे उनके साथ। उनसे कहा गया था कि आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आगे चलकर आपको ब्रेक मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके साथ। तो मुझे लगता है कि इस समय हमें उन पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है, आगे जाके वो छूट भी जाएंगे, आपको ऐसी आशंका है उनके बारे में कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा,
उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा या मामला वापस ले लिया जाएगा या वो अपराधी साबित नहीं होंगे कानून की नज़र में, ऐसी भी आशंका है आपके मन में? क्या चल रहा है जमानत मिलने के बाद, क्या लगता है आप? क्या मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, ऐसा भी मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मुझे मुंबई क्राइम ब्रांच पर पूरा भरोसा है। जब मैं उनसे मिलने गई थी तब मैंने देखा वहाँ पर कि किस शिद्दत के साथ काम की जाती है और उन्होंने बहुत मेहनत की। आपको क्या आशंका है कि राजकुंद्रा छूट जाएंगे जमानत मिलने के बाद, ये मामला इस मामले से छूट जाएंगे, बच जाएंगे? देखिए, वो कोशिश तो कर सकते हैं ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है और आप यानी आप खुद को कब तक निर्दोष साबित करेंगे? यानी कभी ना कभी तो आगे आकर आप कहो ना कि हाँ, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आगे से नहीं करूँगा। यानी एक एक पब्लिक अपॉलॉजी आप दे सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा। एंड आई थिंक ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि अरे क्या इनके कनपट्टी पर पिस्टल रखकर इनसे काम करवाया गया था? नहीं, इनकी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर काम नहीं करवाया गया था, लेकिन झूठे वायदे किए गए थे इनके साथ। इनसे कहा गया था कि हाँ, आप ऐसा करो आपको ब्रेक मिलेगा, आप ऐसा करो तो आपको वेब सीरीज़ मिलेगी। तो ये क्या है? लेकिन राजकुंद्रा ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, आप इस पूरे मामले में एक अहम गवाह भी हैं। मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच यूनिट है उसके प्रॉपर्टी सेल ने आपको कई दफ़ा बुलाया भी है, आपने और क्या पुलिस को बताया? और इस दौरान जब से राजकुंद्रा बंद हैं, बंद थे जेल में, और क्या नई जानकारी आपने साझा की है मुंबई पुलिस के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ? जी, मैंने यही बताया जो कुछ मैंने अनुभव किया आर्म्स क्राइम के साथ। मेरा अनुभव कैसा था जब मुझको शूट के लिए बुलाया जाता था, तब किस तरह की बातें मेरे सामने रखी जाती थी, कैसे मुझसे काम करवाया जाता था, एक एक चीज़ मैंने बताया अपने अनुभव के बारे में। और व्हाट्सएप पर किस तरह की बातें होती थी राज के साथ, राज कितनी बार मेरे घर आए और जब जब आए क्या किया, किस तरह की हरकतें की, किस तरह की बातें की, एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताया। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।